ठीक है सर, थोड़ा सामने सामने थैंक यू सर। लाइफ को एक बहुत बड़ा धक्का है, जितनी जल्दी समझाए उतना अच्छी। तीन चीजें समझते तो चली गई, तो नहीं समझते पे फिर आप ही समझ जाओगे अपनी जिंदगी को। तीन चीजें फिर कब रस्ते ऊपर तक हो शायद बहुत सारे कमरे के अंदर हैं ये काम समझ जाएंगे। उसकी मिसाल देने की जरूरत नहीं है। बिग पावर क्या होते हैं तुम, ये हिंदुस्तान बड़ा बड़ा मुल्क है, इस वास्ते पाकिस्तान के नाम कोई गल नहीं हो सकती। इस पर कभी क्या है उससे गल है नहीं, कभी नहीं कहूँगा इस पर। इस पर फिर का मैं इधर बात ही नहीं करूँगा। मेरी की नजर की याद हर एक काम की देगा वो है रेडी को। आज हमारे महबूब रहनुमा इनकलाबी तहरीक के सफ़े अव्वल के लीडर, एक नामवर हस्ती जम्मू कश्मीर की, कामरेड कृष्ण देव सेठी की याद में एक तहजीती इजलास हो रहा है। CPIM और सिविल सोसाइटी के ज़ोमा ने एक साथ मिलकर ये मुनासिब समझा, क्या ऐसी शख्सियत हमसे बिछड़ गई है, वो जिस्मानी तौर पर ना सही हमारे साथ रहे आने वाले वक्त में, लेकिन उनकी तालीमात और पूरी ज़िंदगी का जो सांचा रहा है, ढांचा ख्यालात का, वो हमारे सामने एक आईने की तरह रहेगा। आज जबकि हमारी जम्मू कश्मीर के रीजन में कई अहम सवालात हैं जिनका हल हमने ही निकालना है एक साथ मिलकर, आज जबकि कोशिशें हो रही है हमें एक दूसरे से दूर करने के, अलग करने के, ये सेठी साहब की तालीमात हमें उम्मीद है एक ब्रिज का काम कर लेंगी आने वाले वक्त में भी, रिश्तों को जोड़ने की। जम्मू कश्मीर लद्दाख सभी जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके दरमियान गलतफहमियों को जो लगातार उनकी कोशिश रही दूर किया जाए। हमारी ज़िंदगी के मसाइल एक जैसे हैं, कश्मीर जम्मू एक साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, ये सेठी साहब का मानना था। वो इस बात के कायल थे, ये ज़िंदगी का सफ़र एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं, ये ज़िंदगी का सफ़र कंधे से कंधा मिलाकर ही तय किया जा सकता है। और जो भी अनासर एलिमेंट्स गलतफहमियां पैदा करते हैं रीजन के नाम पर, अकीदे के नाम पर, वो किसी भी रीजन के दोस्त नहीं, किसी भी कम्युनिटी के खैर खा नहीं। तो आज के दिन जबकि हम उनकी याद में यहाँ जमा हुए हैं, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे कि मेरे साथ काजमी साहब हैं, इनका काफ़ी कलीदी रोल रहा इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने में, असलम साहब हैं और भी कई साथी हैं। और हमारा यही एक अहद है, वादा है कि ये मिशन सेठी साहब का, भाईचारे की जो उन्होंने अलम उठाया, झंडा उठाया, जो उन्होंने एक प्रोग्राम तय किया, उस आवाज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, उसे मरने नहीं देंगे। वो हमसे दूर से ही चले गए, लेकिन उनकी आवाज़, उनका पैगाम लेकर हम जम्मू के आवाम के बीच में खड़े रहेंगे, कश्मीर के आवाम के बीच में खड़ा रहेंगे, हर कम्युनिटी के लोगों को जोड़ने के लिए एक साथ मिलकर काम कर लेंगे।